पर भाग्यशाली हो आप जो 72 साल बाद ये जो सावन का महीना आया है सोमवार से सोमवार तक का, कहते हैं इस सावन में जो सोमवार से सोमवार तक का सावन रहता है, सोमवार से शुरू सोमवार से विराम, अगर आपके घर में रुद्राक्ष है, आप रुद्राक्ष धारण करते हो या रुद्राक्ष अपने घर में रखते हो, तो उस रुद्राक्ष को छोटी सी कटोरी में रखकर या एक पात्र में रखकर 7 बार किसी भी अमावस पर, सावन में जो अमावस्या पड़ती है, ये सोमवार से सोमवार वाली सावन, इसके बाद वाले सावन का वर्णन नहीं कर रहा हम, इस सावन की बात कर रहा हूं, या तो अमावस, पूर्णिमा, त्रयोदशी, चतुर्दशी या प्रदोष, शिवरात्रि, अष्टमी, ये ऐसी तिथियां हैं जो सोमवार से सोमवार तक का जो सावन होता है, सावन में कटोरी में रखकर, प्लेट में रखकर, थाली में रखकर 7 बार अपने घर में अगर रुद्राक्ष है तो उसको बलवान बनाने के लिए इसी सावन के महीने में 7 बार तो जल, 5 बार दूध गौ माता का और 2 बार गाय का घी उस रुद्राक्ष पर लेपित करना चाहिए, और फिर उस रुद्राक्ष को धूप बत्ती हो या घर में गूगल की धूप हो, वो धूप बत्ती से उस रुद्राक्ष को सिद्ध कर लेना चाहिए। कुछ नहीं आता ना, शिव का नाम लो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और उस रुद्राक्ष का स्पर्श कर कर अपने गले में धारण करते हो तो गले में, पूजन में रखते हो तो पूजन में, या किसी कार्य सिद्धि के लिए रखते हो तो कार्य सिद्धि के लिए, अगर ये सोमवार से चालू होने वाले सावन को सोमवार से विराम होने वाले सावन में अगर हम सिद्ध कर लेते हैं तो वो रुद्राक्ष हमारे जीवन का सबसे श्रेष्ठ रुद्राक्ष हो जाता है, सर्वश्रेष्ठ। अभी हमारे सीहोर में कुबेरेश्वर धाम पर ये जो सावन का महीना आया है, इस सावन में हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पे वैसे तो जो महाशिवरात्रि आती है, जिस समय रुद्राक्ष उत्सव होता है उस समय पर रुद्राक्ष को सिद्ध कर लिया जाता है, पर जो सावन ये आया है, इस सावन में हमारे यहाँ प्रतिदिन बाबा के रुद्राक्ष को सिद्ध करते, प्रतिदिन नियम है रुद्राक्ष पर जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना, घृत लगाना और बाबा के रुद्राक्ष, क्योंकि इतने भक्त आते हैं उनके लिए वो रुद्राक्ष सिद्ध होना चाहिए। इसी सावन में चारमुखी 3 रुद्राक्ष, कितने चारमुखी, कितने 3, 5 मुखी रुद्राक्ष 3 और 6 मुखी रुद्राक्ष 3, इनके बीच में सवा सवा गांठ लगाई जाती है। 4 रुद्राक्ष कितने, जल्दी बोलो, 4 मुखी रुद्राक्ष कितने 3, 5 मुखी रुद्राक्ष कितने 3, 6 मुखी रुद्राक्ष कितने 3, इनके बीच में सवा सवा गांठ लगाई जाती है, मतलब एक गांठ पूरी लगाई जाती है, फिर आधी गांठ लगाकर फिर रुद्राक्ष को डाला जाता है लाल धागे में, फिर सवा सवा गांठ ऐसी चलती है। 9 रुद्राक्ष होते हैं कुल टोटल, अगर ये 9 रुद्राक्ष को शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में रखकर, ये सावन, इसको अन्य सावन में नहीं कर सकते, केवल इसी सावन भगवान शिव के मंदिर में शिवलिंग के पास उसको रखकर 7 लोटा जल, 5 बार दूध और 2 बार घृत अगर लेपन कर दिया जाता है उस माला को, और उसी माला को हम बेलपत्री के पेड़ के नीचे बैठकर अपने गले में अगर धारण कर लेते हैं तो दुनिया का ऐसा कोई कार्य नहीं जो तुम्हारे लिए हो नहीं, पक्के में होकर ही मान, उस रुद्राक्ष का इतना महत्व। ये तुम जो सहज में सुन रहे हो ना, हम फिर कहेंगे दया सिंह, जो हम फिर दया सिंह जी को धन्यवाद देंगे कि ये जो सावन के महीने की कथा लिए दया सिंह जी, ये साधारण नहीं है, दुनिया के लोग भले इसको सहजता में रख लें। 27 जुलाई 1953 में ये सावन आया था, उसके बाद 2024 में ये सावन आया, लोग तरसते हैं सावन के लिए कि इसमें हमें रुद्राक्ष को सिद्ध करना है, हमें इसमें बेलपत्र का पान करना है, इसमें हम जो मांगेंगे हमारा बाबा कृपा करने के लिए तत्पर रहता है, ये वो रुद्राक्ष का आनंद पाते। मैं धन्यवाद देता हूं दया सिंह जी आपको बहुत बहुत और पूरी समिति को। शिव मंदिर में जैसे आप लोग जाते होंगे शंकर जी के मंदिर में, तो ये तो शिवलिंग हो गया, ये जलाधारी हो गई, ये जलाधारी है,
ये शिवलिंग है और जलाधारी और शिवलिंग के यहाँ शिवलिंग से लेकर जहाँ से पानी नीचे गिर रहा है, आप पानी यहाँ चढ़ाते हो तो ये घूम के यहाँ से नीचे आ जाता है। आपने जल यहाँ चढ़ाया शिवलिंग पे तो जल घूम कर यहाँ से नीचे आ जाता है, इस जगह से नीचे की ओर आ जाता है, इस स्थान से। प्रयास करिए, ये जो सावन आया है 72 वर्ष के बाद, प्रयास करिए कि कितना बड़ा भी रोग है, कितनी बड़ी भी बीमारी है, आप डॉक्टर से इलाज करवाओ, पर ये जो स्थान है अशोक सुंदरी का, इस स्थान पर एक बार अपनी हथेली रख कर देखिए और भगवान शिव से पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम स्मरण कर देखिए और एक बेलपत्र बाबा की लेकर जहाँ से पानी नीचे गिरता है उस स्थान पर लगाकर उसी बेलपत्र को खाइए और फिर जाकर डॉक्टर को एक बार फिर जांच करवाइए कि उस रोग में आराम कितना लगा है, उस रोग में अंतर कितना आया। और 19 तारीख को विराम होगा और उसमें भी सोमवार से चालू हुआ और सोमवार को विराम हो रहा है, ये शिव भक्ति है, ये अविरल भक्ति, ये भगवान शंकर की अविरल भक्ति है। आप और हमको प्राप्त हुई है, हमें मिली और तेरी। भगवान शिव ने अघोर अस्त्र धारण किया इसी सावन, एक त्रिपुरासुर असुर हो गया, 3 पुरियों का निर्माण कर वो निवास कर रहा। बड़ा विचित्र है वो, बहुत सावन आते हैं, सारे सावन आते हैं, हर वर्ष सावन का महीना आता है, हर वर्ष श्रावण का सोमवार भी आता है, हर वर्ष प्रदोष भी आती है, हर वर्ष शिवरात्रि भी आती है सावन की, हर वर्ष अष्टमी भी आती है, छठ भी आती है, सब तिथियां आती हैं। ये सारी तिथियां हर साल आएंगी, हर साल प्राप्त होंगी, पर जो योग मेरे देव अधिदेव महादेव का लगा है सोमवार से प्रारंभ होकर सोमवार के विराम का, ये सावन बार बार नहीं आता, ये सावन इतनी जल्दी नहीं आता, जो 72 वर्ष के बाद 27 जुलाई से 1953 के बाद में आज योग लगा, जो 22 जुलाई 2024 में प्रारंभ हुआ, बहुत बहुत ना जाने कितने कितने कितना कितना साधना तप का वध कर दूं पर नहीं मर। ब्रह्मदेव ने विचार करा कि त्रिपुरासुर का वध कर दूं, नहीं मर। आखिरी में खबर गई भगवान देवाधिदेव महादेव के पास, भगवान शिव जी के पास। भगवान देवाधिदेव महादेव, मेरे महाकाल राजा, मेरे कालाधिपति, मेरे ओमकारेश्वर, मेरे विश्वनाथ, मेरे परली वैद्यनाथ, मेरे वैद्यनाथ ओगड़दानी, मेरे केदारेश्वर भगवान शिव विराजमान थे, नेत्रबंद थे भगवान शिव, और सबने सारे देवताओं ने जाकर भगवान शिव से विनय करी, निवेदन कर, भगवान देवाधिदेव महादेव से निवेदन कर। और जब भगवान शंकर से निवेदन किया, भगवान शिव से विनती करी, भगवान शंकर से बारंबार जब प्रार्थना करिए, भगवान शिव से बार बार विनय किया गया, तब भगवान शंकर ने नेत्र खोले और भगवान शिव नेत्र खोलकर पूछे, ऐसा क्या हो गया जो आपको आना, ये 33 कोटि देवता, ये सारे देव आज मेरे पास में, कारण क्या बन गया, कौन सा कारण,
आज का वीडियो बहुत ही खास है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। मेरे चैनल में नए होंगे तो सब्सक्राइब करिए।